फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वॉप निटिंग। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वॉप निटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉप निट्स एंड देयर यूजेस। सो जो वॉप निटिंग होती है, बेसिकली दो तरह की निटिंग होती है, एक वेफ निटिंग होती है और एक वॉप निटिंग होती है। जो वेफ निटिंग होती है वो तो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे स्वेटर बनता है, जिसमें एक ही धागा होता है जो इधर उधर डायरेक्शन में जाता है हॉरिजॉन्टली और कपड़ा बनता जाता है। लेकिन अगर हम वॉप निटिंग की बात करें तो ये एक ऐसा स्टिच फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें कि जो यार्न्स है वो एक दूसरे के पैरेलल बट लंबाई वाली तरफ में मूव करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी नीडल्स रहती हैं और हर एक नीडल को अपनी हर एक सेपरेट यार्न मिली हुई रहती है और एक जो स्टिचेस की रो है वो दूसरी रो के साथ अटैच्ड रहे, कनेक्टेड रहे। उसके लिए कुछ जो आपके बीच में लूप्स होते हैं या स्टिच होते हैं वो लेटरली मूव करते हैं। आप देखेंगे कि ये लेटे हुए, एक लेफ्ट सीधा है और फिर एक दूसरी तरफ को जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस डायरेक्शन भी दिखाई है इस डायग्राम में, पहले ये इधर गया और ये इधर गया। इस तरीके से अपने लेफ्ट और राइट साइड के दोनों तरफ की जो रोज़ हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का कपड़ा जो है आप देख सकते हो, ये इजीली उधड़ता भी नहीं है। वेफ्ट फैब्रिक में एक भी लूप आपका अगर टूट जाता है तो आपको लैडरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वॉप निटिंग में इस तरह की दिक्कत नहीं आती। इस डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे वॉप और वेफ्ट निटिंग दोनों का डिफरेंस दिखा रखा है कि किस तरह से आपका जो वॉप निट है वो वेफ्ट निट से डिफरेंट दिखाई देता है और इसमें लैडरिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर हम वॉप निट्स के टाइप्स की बात करें तो इसमें एक ट्राइकॉट निट रहता है। इसका फैब्रिक आप देख लीजिए किस तरीके से दिखाई देता है। फ्रंट से ये आपको जर्सी निट जैसा ही कुछ कुछ दिखाई देता है, लेकिन अगर आप बैक साइड देखेंगे तब आप जान जाएंगे कि ये वॉप निटिंग की हेल्प से बना है या फिर ये वेफ निटिंग की हेल्प से बना है। दूसरा आता है आपका ये रैशल निट का कपड़ा। ये कपड़ा आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा जूतों के अंदर, जिसको हम मैश बोलते हैं। तो ये निटेड जो कपड़ा रहता है, जो मैश होता है आपके स्पोर्ट शूज़ के अंदर, ये वॉप निटिंग की हेल्प से बनाया जाता है। फिर आपका आता है सिंप्लेक्स निट। सिंप्लेक्स निट में आपको डिज़ाइनिंग दिखती है, ये हम काफ़ी सारे स्वेटर्स और कुर्तियों में इस तरह का कपड़ा देखते हैं। देन कम्स मिलनीस निट। इसमें बहुत सुंदर डिज़ाइंस रहते हैं, ये आपको अक्सर अपने जो स्कार्फ्स होते हैं या आपके स्टोल्स होते हैं या फिर आपकी जो डिज़ाइनर जैकेट्स होती है जो लेडीज़ पहनती हैं, उसमें आपको ये वाला कपड़ा दिखाई देता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं। पहला आपका आता है ट्राइकॉट नेट। ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है, ये रिंकल रेजिस्टेंट होता है, इसकी ड्रेपेबिलिटी बहुत ही बढ़िया होती है और ये बहुत सारी विड्थ में और बहुत सारे फैब्रिक वेट्स में ये डिज़ाइन आता है। बहुत सारे वेट में आने का मतलब होता है कि बहुत पतला कपड़ा भी हो सकता है, लाइट वेट भी हो सकता है, और बहुत है जैसे कि स्वेटर होता है वो हैवी वेट भी हो सकता है। सो इसमें जो है काफ़ी तरह की चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि आपका स्लीप वेयर हो गया, आपके ब्लाउजेज हो गए, आपकी ड्रेसेस हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ट्राइकॉट निट्स में बन सकती हैं। अब अगर हम बात करें रैशल निट्स की, तो रैशल निट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन में, लेकिन ट्राइकॉट से कम। इसमें हम जो हैं काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि लेसेस हो गई, आपकी पावर नेट्स हो गई, फाउंडेशन गारमेंट्स के लिए। फाउंडेशन गारमेंट्स का मतलब होता है आपके अंडर गारमेंट्स जो होते हैं उनमें जो भी इस्तेमाल होता है निटेड फैब्रिक, उसके लिए रैशल निट इस्तेमाल की जाती है। आपके स्विम वेयर जो होते हैं वो भी रैशल निट में बनते हैं। इनफैक्ट जो कारपेट्स होते हैं वो भी रैशल निट से बनाया जा सकता है। तो रैशल निटिंग जो है उसमें आप हैवी यार्न्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कॉम्प्लेक्स लेस जैसे जो पैटर्न्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। देन इज क्रोशेट निट या फिर आपका सिंप्लेक्स निट। ये जो है क्रोशेट निट जो है बेसिकली हैंड क्रोचेट की तरह ही होता है। इसमें आप बहुत सुंदर नेट और लेसिस के डिज़ाइंस बना सकते हैं, जिसमें कि आप बेड कवर्स बना सकते हैं, बेड स्प्रेड्स हो सकते हैं, आपके कारपेट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह की एजिंग, ट्रिमिंग, लेसिस, ये सब जो है क्रोचेट निट की हेल्प से
बन सकती है। देन इज मिलनीज निट। इसका जो फैब्रिक होता है ये बहुत कुछ ट्राइकॉट्स के साथ जो है रिजेंबल करता है, तो इसमें जो होता है फाइन रिब होता है इसकी फेस पे, और बैक पे जो है डायगनल पैटर्न्स होते हैं। इसका जो फैब्रिक होता है ये थोड़ा सुपीरियर होता है ट्राइकॉट से, ये बहुत स्मूथ होता है, इलास्टिसिटी अच्छी होती है, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता रहता है, और साथ में ही इसमें फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। जो निटेड फैब्रिक होते हैं जो वॉप निट के साथ बनते हैं, इनका जो इस्तेमाल है ये किस तरह से किया जा सकता है आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि निटेड फैब्रिक इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आपका आता है इनर वियर, जो भी हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं वो सारे जो हैं वॉप निटिंग से ही बनते हैं। देन इज़ अपैरल। अपैरल का मतलब क्या हुआ, जो कपड़े आप पहनते हैं जैसे कि स्पोर्ट वियर हो गए, उनकी लाइनिंग हो गई, आपके ट्रैक सूट हो गए, आपके लेजर वियर हो गए, किसी भी तरह की जो सेफ्टी रिफ्लेक्टिव वेस्ट बनती हैं वो सारी की सारी वॉप निटेड फैब्रिक से ही बनती हैं। इसके अलावा आपके हाउस होल्ड मटीरियल हो गए जैसे कि मैट्रेसेस हो गई, आपकी फर्निशिंग्स हो गई, लॉन्ड्री बैग्स हो गए, मॉस्किटो नेट्स, एक्वेरियम फिश नेट्स, ये सब भी आपकी वॉप निट से ही बनते हैं। शूज़ की इनर लाइनिंग, उनके सोल, और ये जो सेफ्टी शूज़ इंडस्ट्री में पहने जाते हैं ये सारे के सारे जो हैं वॉप निट से ही बनते हैं। अगर हम और बातें करें तो अगर आपने कभी अपने कार में बैठ के उसका सीट कवर देखा हो, उसकी कुशनिंग देखी हो, हेड रेस्ट देखे हो, तो वो सब भी जो हैं आपके वॉप निट से बनते हैं। अगर आप स्कूटर चलाते हैं तो आपके पास हेलमेट होगा, मोटर बाइक के हेलमेट की अंदर की लाइनिंग देखिए वो भी वॉप निट से बनती है, और जो कैप्स, ग्लव्स और इंडस्ट्री में पीवीसी की बैकिंग्स होती हैं, कभी आप हॉस्पिटल में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर एक शीट होती है जो कि किसी भी पेशेंट के नीचे बिछाई जाती है, या छोटे बेबीज़ के नीचे भी जो शीट्स बिछाई जाती हैं कि उसमें से पानी ना आ जाए, उसको पलट के देखिए तो उसकी बैकिंग पर भी एक निटेड कपड़ा लगा हुआ रहता है, इवन दैट इज़ योर वॉप निट। तो ये देखिए, ये जो भी मैंने यहाँ पर इमेजेस डाली हैं इन सब में वॉप निटेड फैब्रिक जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये जूते में देखिए, ये जो मैं बोल रही थी मैश, तो ये कपड़ा जो है दिस इज़ ऑल्सो अ वॉप निटेड फैब्रिक। ये देखिए, आपका कार की सीट के कवर हो गए, आपका स्विम वियर हो गया, और ये जो पानी रोकने के लिए आपने यहाँ पर बड़े बड़े जो बैग्स रखे हुए हैं, दिस इज़ ऑल्सो योर वॉप निटेड फैब्रिक। ये देखिए, इस तरीके से वॉप निटेड फैब्रिक की फॉर्मेशन होती है। दिस इज़ अ फ्लैट बेड निटिंग मशीन। आई होप आपको वॉप निटेड फैब्रिक्स एंड वॉप निटिंग की काफ़ी जानकारी इससे मिल गई होगी। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।